नमस्कार समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। बात करेंगे सिद्धार्थ नगर की, जहां बडरपुर में आज बीजेपी की विजय संकल्प महारैली का आयोजन किया गया, जहां यूपी सरकार के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव व अनिल राजभर मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। इस जनसभा में पहुंचने पर राज्य मंत्रियों का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले गिरीश यादव ने सपा बसपा के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि चंद जयचंद बचे हुए हैं जो मोदी योगी को हटाने के लिए लगे हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि बीजेपी ने गलती क्या की तो बताते नहीं हैं। ये बौखलाए हैं क्योंकि इनके भ्रष्टाचार को रोकने का काम मोदी योगी ने किया है। साथ ही राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि इन्हें सरपत और गन्ना में अंतर पता नहीं है, क्या ये देश चला पाएंगे। जयचंद लोग बचे हैं, वो महागठबंधन बनाकर अभियान चला रहे हैं कि मोदी जी को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे, दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे, दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, हमारी पार्टी पूछ रही है, हम लोग सब जगह इस बात को पूछ रहे हैं, बताओ भाई क्यों नहीं आने दोगे, कारण तो बताओ। मोदी जी ने गलती क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने गलती क्या किया, आप बताओ, बताते नहीं। संसभाओं के माध्यम से हम लोग पूछते हैं, ये बताओ आरोप क्या है, देश का सम्मान स्वाभिमान मोदी जी ने नहीं बढ़ाया क्या, इस देश में विकास का काम मोदी जी ने नहीं किया क्या, प्रदेश में विकास का काम योगी जी ने नहीं किया क्या, लेकिन वो बताते नहीं, उनके पास कोई उत्तर नहीं है, वो निरुत्तर है। उसका कारण है मोदी जी और योगी जी को रोकने का कारण है ये लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, लूट करते थे, घटोट करते थे, ये सब अंकुश लगाने का काम मोदी जी और योगी जी कर दिए है, इसलिए लोग बौखलाए, तरह तरह के अफवाह उड़ा रहे। अरे भाई अभी जी नहीं हुआ, 55 सालों तक आपके परिवार के लोगों ने राज किया, परिवार के लोगों ने राज किया, और वो गांव के गरीब आदमी की बदहाली, किसान की बदहाली वही नहीं, नौजवान बेरोजगार रहा। आपके दादा, आपकी दादी, आपके पिताजी कुछ नहीं कर पाए, अब आप क्या करोगे। राहुल बाबा, आपको जिस बात को पता ही नहीं है कि इस देश में सरपत और गन्ना में अंतर क्या है, आप देश चलाओगे। जिसको इस बात को पता नहीं है कि सरपत और गन्ना में अंतर क्या है, जिसको इस बात को पता नहीं, आलू खेत में होता है फैक्ट्री में होता, वो भी देश चलाएगा, वो भी देश चलाने की बात करेगा। अरे अब 125 करोड़ देशवासी इस बात को समझ गए राहुल बाबा, अब कांग्रेस को जो 44 की संख्या, 44 पूरे देश भर में 44 बचे, अब 125 करोड़ देशवासियों ने निर्णय किया है, जो संख्या आपकी घटाकर 14 कर देंगे, 14 कर देंगे, अब वो सपना छोड़ दो। वहीं अनिल राजभर ने मंच से समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि सबने मिलकर 4 बार इनको जिताया था, लेकिन जनता को क्या मिला, अब ये समाजवाद की नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस सपा बसपा पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, ये सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें गरीब बनाकर छोड़ देंगे। इसके साथ ही डुमरियागंज से भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल को जिताने की अपील भी की। डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था कि पिछड़े पाए 100 में 60 और सामाजिक परिवर्तन की नौटंकी करने वाले, समाजवाद के नाम पर ढकोसला का बाजा बजाने वाले आज नारा क्या दे रहे हैं। ये 4 बार गरीबों ने उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर मुलायम सिंह और उनके परिवार को बैठाने का काम किया था। क्या राजभर ने वोट नहीं दिया, क्या बिंद ने वोट नहीं दिया, क्या बिहार ने वोट नहीं दिया, क्या गोर खरवाल ने वोट नहीं दिया, क्या पाल गनेरिया ने वोट नहीं दिया, क्या निषाद मल्लाह ने वोट नहीं दिया, क्या पटेल और मौर्या और हमारे कुशवाहा ने वोट नहीं दिया, क्या गरीबों ने वोट नहीं दिया, क्या दलितों ने वोट नहीं दिया,
सबने वोट देकर चार बार राज दिया है उत्तर प्रदेश का, लेकिन तुम्हारी गंदी नीयत आज इन गरीबों को काट रहे हो। हम गरीब कौ क्यों बन गए, हम पिछड़े क्यों हो गए, हम कमजोर क्यों हैं? जमाना चांद और सितारों पर बसने की बात कर रहा है गरीबों, और हम आज भी रोटी कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा घर परिवार अपने मड़ई झोपड़ी में बैठकर एक एक रोटी का संघर्ष कर रहा है। कौन गुनहगार है ये खोजना पड़ेगा, ये बड़ा चुनाव है। हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि मोदी जी को क्यों हटाना चाहते, मोदी जी को क्यों हटाना चाहते। देखा हम कहिला कि चोरन के अजोरिया रात ठीक नहीं लगत, ठीक लगे ले क्या चोरन के अजोरिया रात ना ठीक लगत ना, चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। और आज गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाकर आज गरीबों का मस्तक सम्मान के साथ उठाकर मोदी जी ने हमारे जीवन में एक उम्मीद का चराग रोशन किया है, एक दीपक जलाने का काम किया। और इसलिए आपसे कहना साइकिल हाथी वाला जीत कर जाएगा, किसको प्रधानमंत्री बनाएगा, ये भ्रम में मत रहना कि कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है और ये सपा बसपा के लोग अलग लड़ रहे हैं। ये तीनों मिलकर लड़ रहे हैं, ये साजिश है, ये दिखावटीपन है कि हम अलग हैं, नहीं अलग है। ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर ये जीत कर जाएंगे तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिनका राज 60 बरस तक इस धरती पर रहा है, जो हमारे बकरे हिस्से पर डांका डालकर आगे बढ़ते रहे हैं और हमें गरीब बनाकर छोड़ दिया। सिद्धार्थ नगर से राकेश यादव की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।